हेलो गाइस, वेलकम टू कूल टेक अगेन। तो गाइस, काफ़ी दिनों बाद फिर से आप लोगों के लिए कुछ प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग यहाँ पे लेके आया हूँ। तो इसमें है यहाँ पर कीबोर्ड और उसके अलावा और भी एक दो चीज़ें हैं जो आपके साथ में अनबॉक्सिंग करूँगा। और एक बात और बताऊँ कि यहाँ पे एक वायरलेस कीबोर्ड मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था, उसके बाद मैंने उसको परचेज़ किया, तो उसका आप लोगों को बताऊँगा। और आपको पसंद हो तो आप उसको जाके परचेज़ भी कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कई सारे कीबोर्ड्स भी मेरे पास हैं, उसके बाद भी मैंने एक वायरलेस कीबोर्ड लिया, और भी कुछ चीज़ें हैं तो वो भी मैंने काफ़ी सारी थी मेरे पास। तो इसको आप अपने शब्दों में कुछ भी कह सकते हैं, फिजूल खर्ची भी कह सकते हैं या कुछ भी, बट मुझे पसंद आया तो फिर मैंने ले लिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पर कीबोर्ड पर जाने से पहले यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले एक यहाँ पर मंगवाया था बेवकूफ़ से, यहाँ पर एक पैजामा कह लीजिए या ट्रैक पैंट कह लीजिए, ये मंगवाया था। और इसमें यहाँ पर इसको निकालते ही यहाँ पर कुछ गिर चुका है नीचे की तरफ, तो ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है नो गट्स नो ग्लोरी, ये इन्होंने एक दिया है फ्रिज का मैग्नेट दिया है, तो इसको मैं लगा सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर एक दी है इन्होंने ट्रैक पैंट, तो ट्रैक पैंट भी अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। हालांकि ये भी मेरी पास काफ़ी सारी हैं, बट फिर भी मैंने एक यहाँ पे मंगवाया है, अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं किया, आपके सामने ही लाइव ओपन कर रहा हूँ। तो ये है यहाँ पर एक ट्रैक पैंट इनकी ब्लैक कलर की, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह की मैंने प्लेन मंगवाई थी, ये है बेवकूफ़ की, ठीक है, बेवकूफ़ का आपको लोगों दिख रहा होगा। तो ये है लगभग 600-700 रुपए के आसपास की ये है, तो ये मैंने मंगवाया था। अब इसके बाद जो है सेकंड प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, तो ये तो मैंने आप लोगों को ऐसे दिखा दिया। अब यहाँ पर क्या है, बेवकूफ़ का एक मैंने मंगवाया था मिनी बैग जो कि लैपटॉप बैग नहीं होता है, वो मैंने मंगवाया था। इसको भी अभी ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे बैग की बात अगर मैं करूँ तो मैं बहुत सारे बैग पहले भी मंगवा चुका हूँ। देखिए इतने सारे बैग्स हैं, इवन यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि MI का भी बैग मैंने मंगवाया था, उसका मैंने अभी तक ये भी नहीं हटाया, जो प्राइस टैग होता है ये तक नहीं हटाया अभी मैंने। उसके बाद और भी स्मॉल, ये लैपटॉप के लिए मैं यूज़ करता हूँ इस बैग को, ये काफ़ी अच्छा है, पेटीएम मॉल से मैंने लिया था जब फ्री में मिलते थे तब, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। ये प्रिंटलैंड से मैंने अपना लोगो प्रिंट करके मंगवाया था, इसको मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, इसको भी मैंने अनबॉक्सिंग आप लोगों को बहुत पहले करके दिखाया था। उसके अलावा एक मिनी बैग पैक में ये भी है, एंटी थेफ्ट बैग है, ये भी काफ़ी अच्छा है, इसकी भी मैंने अनबॉक्सिंग करके आपको बताया था। तो ये सारे बैग होने के बावजूद भी ये चार बैग हैं, इसके अलावा भी और बैग्स हैं, फिर भी मेरे को एक पसंद आया मिनी बैग पैक, तो ये मैंने भी मंगवाया है। इसको भी यहाँ पे ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या किस तरह का बैग है। इसमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया है इन्होंने, जनरली कभी कभी आप बेवकूफ़ से मंगाइए तो आपको डायरी मिल जाती है और कभी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको की चेन मिल जाती है, इस बार इसमें कुछ नहीं है। तो ये है यहाँ पर मिनी बैग जो कि लगभग आपको 300 रुपये तक में मिल जाता है अगर आप मेंबर हैं उसके, 499 लिखा हुआ है, अगर आप ट्राइब मेंबर हैं तो 300 और 275 तक मिल जाता है। तो ये है यहाँ पर एक बैग, मिनी बैग है जो कि और काफ़ी छोटा सा है, और ये है यहाँ पे इसमें लिखा है बैग बेंचर। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे मेरे पास में, बट मुझे एक ये अच्छा लगा तो मुझे इसलिए मैंने ले लिया है, क्योंकि जब भी इसको पीछे इसको ले कर चलेंगे बैग पैक में, पीछे इसको लटका के चलेंगे तो अच्छा लगेगा अगर कोई पीछे देखेगा तो ये मुझे लिखा हुआ अच्छा लगा, काफ़ी सारे अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। तो ये है यहाँ पर, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे नीचे भी आप एक चेन देखेंगे तो आपको नीचे भी एक चेन यहाँ पर मिलेगी, नीचे भी स्पेस है, और उसके अलावा यहाँ पर आप अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ऊपर भी आप लोगों को एक स्पेस देखने मिल जाएगा, यहाँ पे एक देखने मिल जाएगा स्पेस। अंदर यहाँ पे बेवकूफ़ की ब्रांडिंग है और बस दो चेन है, उसके अलावा और कोई चेन अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान आप कैरी इसमें नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है ये। तो ये हो गया यहाँ पर, इतने सारे बैग होने के बावजूद एक ये छोटा मिनी बैग मैंने मंगवाया बेवकूफ़ से। रिव्यू की बात करें तो नॉर्मल है और बहुत ज़्यादा वेट आप कैरी नहीं कर सकते हैं इसमें। कीबोर्ड की बात करते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया ये कीबोर्ड है, अमेज़ॉन से मंगाया है और काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है ये। अब मुझे काफ़ी दिनों से मन था, वायरलेस लेने का मन था, अब मैं आपको कीबोर्ड में भी दिखा देता हूँ कि कितने मेरे पास यहाँ पर कीबोर्ड्स हैं पहले से। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहला एक मिनी कीबोर्ड वायर वाला था क्वांटम का, लगभग 200 या 300 रुपए का लिया था 3-4 साल पहले मैंने। अभी बिल्कुल आपको मैं ये भी दिखा दूँ कि अभी तक इसकी पॉलीथीन भी नहीं हटी है, अभी तक बिल्कुल ये सही कंडीशन में है। इसके बाद ये प्रोडॉट का, ये भी बड़ा कीबोर्ड है, ये भी अभी तक बिल्कुल सही और अच्छी कंडीशन में है, आपको इसको भी मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल अभी देखिए आप एकदम नई कंडीशन में आपको ये भी दिखेगा। और उसके बाद इंटेक्स का भी है, ये भी अभी एकदम नई कंडीशन में है, इसको भी आप देखेंगे। और उसके बाद एक मैंने लिया था फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में, जो कि था लॉजिटेक का, ये मैं अभी तक यूज़ करता था, मुझे काफ़ी पसंद था ये, अभी भी पसंद है, बट फिर भी मैंने इसको चेंज करके लिया है यहाँ पर एक दूसरा पोर्सोनिस का। ये कीबोर्ड कैसा है कीबोर्ड, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको मैंने कट पहले से कर लिया है और एक्चुअली मैंने इसको एक बार ट्राई किया था यूज़ करके,
तो ये है यहाँ पर कीबोर्ड जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। इसके पीछे एक रीज़न था, वो था रीज़न इसका कलर। इसका कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। दो कलर्स कॉम्बिनेशन में अवेलेबल था, एक ब्लैक एंड रेड में अवेलेबल था, बट ब्लैक मेरे पास सारे कीबोर्ड्स थे तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर एक इस कलर को ट्राई किया जाए वाइट, तो फिर मैंने इसको मंगा लिया था। ये है यहाँ पर, इसमें एक यूज़र मैनुअल है और उसके अलावा यहाँ पर है ये कीबोर्ड है। एक एक करके इसको निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो है कीबोर्ड, जो कि आप देखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है आपको पसंद ना आए। ये है देखिए यहाँ पे कीबोर्ड, और जिसके बटन्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, मतलब अलग अलग जो इसको आइलैंड कीज़ आई थिंक कहते हैं, और मुझे आप करेक्ट नाम बताइएगा अगर आपको पता हो तो। ये काफ़ी अच्छे इसके कीज़ हैं। और उसके बाद इसकी जो माउस है, माउस की सबसे अच्छी खासियत इसकी क्या है कि ये नॉइसलेस माउस है, मतलब आप किसी भी माउस में जब आवाज़ करते हैं, जब क्लिक करते हैं तो क्लिक की जो आवाज़ आती है इसमें आप करेंगे तो आपको किसी भी तरह की क्लिक की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। और इसकी बैटरी बैकअप्स तो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने में क्लासी है और मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। बट जनरली ये मिलता नहीं है, स्टॉक में नहीं रहता या महंगा रहता है। मैंने इसको 1000 रुपये में ख़रीदा है, 1000 रुपीज़ में। अमेज़ॉन पर आपको मिल जाएगा ये वाला भी, काफ़ी अच्छा है ये। और मैं इसको अभी प्राइमरी अभी इसी को यूज़ कर रहा हूँ, और इससे पहले लॉजिटेक करता था। लॉजिटेक भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मजबूत है, और ये भी काफ़ी मजबूत है। और इसमें एक बार बैटरी लगा दी है तो साल दो साल मेरे ख्याल से लगानी नहीं पड़ेगी, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इसका दूसरा कलर भी बहुत अच्छा है, अगर आप ब्लैक एंड रेड लें वो भी बहुत अच्छा लगता है देखने में, बट ये मुझे काफ़ी पसंद आया तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया। तो इस मंथ ये दो तीन चीज़ें थी जो काफ़ी सारे होने के बावजूद भी मैंने इसको परचेज़ किया। आप बताइएगा कि आपको ये कीबोर्ड देखने में कैसा लगा या बैक कैसा लगा, जो भी हो कमेंट करके बताइए। और ऑफर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक, नए ऑफर्स, नए शॉपिंग टिप्स के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।